Hey everybody, this is Brajesh here और आप देख रहे हैं CABA Infometry। दोस्तों, जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे-वैसे हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी कम होती चली जाती है। और साथ ही साथ हमारे जो मेडिकल से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, वो भी इंक्रीज होने लगते हैं बढ़ती एज के साथ। और इस चीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहचाना है, रिकॉग्नाइज किया है और देश के वरिष्ठ नागरिकों यानी के सीनियर सिटीजंस को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स और रियायतें अंडर इनकम टैक्स एक्ट दी गई है। इस वीडियो में हम ऐसे ही बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे जो कि सीनियर सिटीजंस को दिए गए हैं एज पर इनकम यानी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। ऐसे कुछ स्पेसिफिकली टैक्स बेनिफिट्स हैं जिनका फायदा ऐसे व्यक्ति ही ले सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, यानी कि कोई भी सीनियर सिटीजन जो कि 60 साल की अपनी उम्र पार कर चुके हैं, वे अगर अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको कई सारे बेनिफिट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दिए जाते हैं एक डिडक्शन या एग्जेम्पशन के रूप में। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ही कुछ बेनिफिट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जिन सबका फायदा सीनियर सिटीजंस अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ले सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगा एक दूसरे बेनिफिट की जो कि एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजंस को ही दिया जाता है इनकम टैक्स के अंदर, और वो है नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एक नॉन सीनियर सिटीजन को अगर इनकम टैक्स का एक साल में टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा देना होता है तो उसको एडवांस टैक्स पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 200A। लेकिन एक सीनियर सिटीजन के केस में अगर एडवांस टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा भी होता है एक साल में तो उनको कोई भी एडवांस टैक्स डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि कोई भी ऐसा सीनियर सिटीजन जिनकी इनकम में इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इंक्लूड नहीं है, उनकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी किसी एक साल में 10,000 रुपीज से ज्यादा भी है तो भी उनको एडवांस टैक्स भरने से छूट दी गई है। यानी कि उनको ऐसा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको छूट दी गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। यानी कि उनको किसी भी तरह का एडवांस टैक्स डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, यानी कि आप सीनियर सिटीजन नहीं है और किसी साल में आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपीज से ज्यादा होती है तो आपको उस साल में एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना जरूरी होता है। लेकिन सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स जमा कराने की कोई जरूरत नहीं होती है और उनको इस बारे में छूट दी गई है। अब मैं बात करूंगा एक और डिडक्शन की। सीनियर सिटीजन को उनके सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आता है और फिक्स डिपॉजिट पर भी इंटरेस्ट आता है तो उनको एक हायर लिमिट दी गई है डिडक्शन की अंडर सेक्शन 80 TTB ऑफ ₹50,000 इन ए ईयर। ये डिडक्शन सिर्फ सीनियर सिटीजन को ही अवेलेबल है और ये डिडक्शन नॉन सीनियर सिटीजन को अवेलेबल नहीं है। तो जहां तक नॉन सीनियर सिटीजन आर कंसर्न, उनके लिए ओनली सेविंग बैंक इंटरेस्ट ही एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 80 TTA, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए ये एक स्पेशल एक्सक्लूसिव सेक्शन इनकम टैक्स में प्रोवाइड किया गया है जिसके अंदर वो किसी भी साल में अगर सेविंग बैंक से या FD से या फिर रिकरिंग डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो अप टू 50,000 रुपीज तक की इंटरेस्ट इनकम पर उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है। ये इंटरेस्ट आपका बैंक से भी हो सकता है और पोस्ट ऑफिस से भी हो सकता है तो उस केस में आपको 50,000 रुपीज तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है और ये आपका एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स से। अब अगर आपका इंटरेस्ट किसी साल में सपोज कीजिए ₹60,000 है तो आपको अगर आप सीनियर सिटीजन है सिर्फ 10,000 रुपीज की इनकम पर ही टैक्स देना पड़ेगा, ना कि पूरे 60,000 तक, और 50,000 तक का इंटरेस्ट आपको माफ हो जाएगा या डिडक्ट हो जाएगा
अंडर इनकम टैक्स है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की बात है, ये जो सेक्शन 80TTB है वो एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर सिटीजन्स है, नॉट फॉर नॉन सीनियर सिटीजन्स। कोई भी नॉन सीनियर सिटीजन 80TTB का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है, उनके लिए एक अलग सेक्शन है और वो है 80TTA। और यहां पर ये ध्यान रखिए कि नॉन सीनियर सिटीजन के लिए जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA में अवेलेबल है वो सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट के लिए है, ना कि फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट के लिए। अब मैं आपसे बात करूंगा एक और बेनिफिट की जो कि अवेलेबल है अंडर सेक्शन 194A फॉर सीनियर सिटीजन्स, और वो है नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, दैट इज नॉन डिडक्शन ऑफ TDS। यानी कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर बैंक आपसे TDS काट लेता है 10% के हिसाब से, और बाकी जो 90% है वही आपका बैंक आपको पेमेंट करता है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को हायर एग्जेम्पशन दी गई है अंडर सेक्शन 194A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम डिडक्शन ऑफ TDS। अगर उनको एक साल में अप टू 50,000 तक का इंटरेस्ट मिलता है बैंक या पोस्ट ऑफिस से, तो उस पर कोई भी TDS नहीं काटा जाता है, जबकि नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए यही लिमिट 40,000 रुपीज की है एक साल में। यानी के नॉन सीनियर सिटीजन्स के केस में अगर उनको किसी साल में इंटरेस्ट मिलता है 40,000 तक, तो उस पर TDS नहीं काटा जाएगा, जबकि एक सीनियर सिटीजन के केस में अगर उनको एक साल में 50,000 रुपए तक भी इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम बैंक या पोस्ट ऑफिस से, तो उस पर कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। सपोज आपकी इंटरेस्ट इनकम किसी साल में 50,000 से ज्यादा है, तो आप उस कंडीशन में फॉर्म 15H भरकर अपने बैंक को या पोस्ट ऑफिस को दे सकते हैं, जिसमें आप डिक्लेयर करेंगे कि आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है उस साल के अंदर। अगर आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अपना फॉर्म 15H भरकर दे देते हैं, तो उस कंडीशन में आपके इंटरेस्ट पेमेंट पर कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा, चाहे आपकी इंटरेस्ट इनकम ₹2 लाख भी क्यों ना हो। एक और एग्जेम्पशन स्पेसिफिकली जो दिया गया है सीनियर सिटीजन्स को, वो है अंडर सेक्शन 80DDB में। इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि सीनियर सिटीजन्स को मेडिकल एड की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए उनको एक स्पेसिफिक एनहेंस लिमिट दी गई एक्सक्लूसिवली फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस, जो कि इनकम टैक्स के रूल 11DD में बताई गई है। तो अगर ऐसी स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट पर एक सीनियर सिटीजन एक्सपेंस करते हैं, तो वो अप टू ₹1 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके उलट जो नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिमिट एक साल में 40,000 रुपीज की है, यानी कि ये मानते हुए सरकार के द्वारा कि सीनियर सिटीजन्स को मेडिकल फैसिलिटीज की ज्यादा जरूरत होती है और इस वजह से उनको ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो वे अगर ₹1 लाख तक का भी अगर खर्चा स्पेसिफाइड डिजीजेस के ट्रीटमेंट पर करते हैं, तो उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है और वह उनकी टोटल इनकम में से डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। रूल 11DD के अंदर जो स्पेसिफाइड डिजीजेस हैं, उनका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 80DDB के अंदर अगर कोई एक नॉन सीनियर सिटीजन है, तो उनको डिडक्शन सिर्फ 40,000 रुपीज का मिलता है, वहीं उसके उलट अगर वह सीनियर सिटीजन है, तो उनको यह डिडक्शन ₹1 लाख तक का किसी एक साल में मिलता है इनकम टैक्स के अंदर। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है
कि आपने स्पेसिफाइड डिजीज पर जो खर्चा किया है उसके लिए आप अपने डॉक्टर से उस स्पेसिफाइड डिजीज का सर्टिफिकेट जरूर ले लें। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा। आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है, जो मुझे लगता है बिल्कुल आ सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो तक आ गए हैं, बाकियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, तो वो हमें जरूर पूरी करनी चाहिए। इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube चैनल CABA इंफोमेंट्री पर। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं जरूर आपसे ये कहूंगा कि आप इसको कंसीडर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आ सके और हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। बाय बाय।